दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर प्रियंका की। प्रियंका हैदराबाद में एक डॉक्टर थी जो कि एक दिन अपने हॉस्पिटल से घर को वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में अचानक उनकी बाइक ख़राब हो जाती है। बाइक ख़राब होने के बाद चार लोग वहां पर आते हैं और उन डॉक्टर की हेल्प करने को बोलते हैं। हालांकि डॉक्टर प्रियंका को उनकी नियत पर शक हो जाता है, तो वो घर पे कॉल करती हैं। फ़ोन उनकी बहन रिसीव करती है तो बातचीत होती है। बोलती है कहीं ना कहीं अब अपनी बहन से, डॉक्टर प्रियंका, कि मुझे डर लग रहा है। हालांकि छोटी बहन सलाह देती है कि आप कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाओ वहाँ से, लेकिन उसकी थोड़ी ही देर बाद फ़ोन जो है स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद सुबह पता चलता है, अगले दिन सुबह पता चलता है कि किसी 44 नाम के पुल के नीचे एक लाश, जली हुई लाश बरामद होती है पुलिस को। तो जब फॉरेंसिक जांच में ये पता चलता है कि वो लाश जो थी वो डॉक्टर प्रियंका की ही थी। फॉरेंसिक जांच से ये भी पता चला है कि चार लोग जो वो थे उन्होंने इनके साथ गैंग बलात्कार किया था। फिर फॉरेंसिक जांच से ये भी पता चला कि इनको बलात्कार करने के बाद इनको इनकी लाश को फूंक जला दिया गया। ये सब जब फॉरेंसिक रिपोर्ट से पुष्टि हो जाती है तो पुलिस जो है चारों आरोपियों को पकड़ लेती है और हिरासत में ले लेती है। उसके बाद क्या हुआ, आरोपियों को सजाया मिली नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आरोपियों अभी तक जो है पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन कल की डेट में पुलिस उनका इनकाउंटर कर चुकी है, यानी वो लोग अब बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं हैं। अब पुलिस ने इनकाउंटर कैसे किया, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उसी स्थान पर जिस स्थान पर डॉक्टर प्रियंका के साथ ये सब कुछ हुआ था, वहीं उसी स्थान पर पुलिस उन चारों आरोपियों को रिक्रिएशन के लिए ले जाती है। वहीं पर रिक्रिएशन के दौरान ऐसा पुलिस वालों ने बताया कि अब वो चारों आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे, इसी दौरान उनका इनकाउंटर कर दिया गया। हालांकि दोस्तों, जिन्होंने इनकाउंटर किया है इन चारों आरोपियों को, उनको हाई कोर्ट के जो कंडीशंस हैं यानी गाइडलाइन को फॉलो करना होगा, प्रूफ करना होगा, पर आगे क्या होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो प्रियंका के आरोपी थे उन्हें सज़ा मिल चुकी है, उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि दोस्तों, एक बात यहाँ पर और सवाल पैदा होता है कि क्या दोस्तों इसी तरह से जो आरोपी हैं उनको रोड पर सजा दी जाएगी? क्या आखिर जो कानून है उसे उन आरोपियों को सज़ा नहीं दे सकती? वैसे दोस्तों, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस तरह से घटना को आप बढ़ावा मत दीजिए। कहीं ना कहीं अपने बच्चों पर शासन रखिए, या फिर अगर आप मेरी एज के देख रहे हैं इस वीडियो को, तो दूसरों को समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, शासन नहीं देंगे, बच्चों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो इस तरह के हत्या होते रहेंगे, इस तरह के कांड होते रहेंगे, जो कि बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। तो दोस्तों, यही सब बात थी डॉक्टर प्रियंका के बारे में, जो हमने आज के इस वीडियो में आपको बता दिया है डिटेल में। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन हो, बेचक वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि दोस्तों, इस चैनल की यही तो खासियत है कि आपको हर एक कमेंट का जवाब दिया जाता है। फिलहाल दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।